नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीआईजी सुजीत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। अपराधियों पर नकेल कसने के दिए दिशा निर्देश। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा सृजन महाघोटाले में सरकार कर रही है खानापूर्ति। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की गुंडागर्दी, तालाबंदी को लेकर कर्मियों के साथ किया दुष्व्यवहार। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन हुआ सख्त, डिप्टी कलेक्टर ने होटल को किया सील। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का रफ्तार, 91 नए संक्रमित मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 6000 के करीब। अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को डीआईजी कार्यालय में भागलपुर, नौगछिया और बांका के पुलिस कप्तान के साथ पूर्वी प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने बैठक की। इस दौरान चुनाव में शांति भंग करने वाले बदमाशों और फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश डीआईजी ने दिया। डीआईजी ने चुनाव में पुलिस बल और पारा मिलिट्री फोर्स की आवश्यकता एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर रेंज के तीनों पुलिस कप्तान के साथ चर्चा की। मौके पर भागलपुर सीनियर एसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मेश्राम एवं बांका एसपी अरविंद गुप्ता मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल के नेता जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दमखम के साथ मैदान में आने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय संयोजक सह पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भागलपुर पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान यूडीए के संयोजक ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि 15 साल से बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। वहीं एक सवाल के जवाब में पूर्व वित्त मंत्री ने बताया कि भागलपुर में सृजन महाघोटाले के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सुशासन की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। वहीं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन मंडल ने बताया कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। रतन मंडल ने बताया कि बिहार में कृषि, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा का बुरा हाल है, जिसका मुख्य कारण सरकारी तंत्र में फैला भ्रष्टाचार है। प्रेस वार्ता के दौरान वंचित समाज पार्टी की डॉली मंडल समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार विधानसभा के 245 सीटों पर उम्मीदवार हर सीट पर नंबर एक, नंबर दो कि हम अपने दल के साथियों के साथ बैठेंगे और सीटों पर वो चर्चा करेंगे। वो चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है, वो चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, हल्के ढंग से चुनाव तो नहीं लेंगे। और हर जगह हम कोशिश करेंगे कि साफ छवि का उम्मीदवार आए मैदान में हम लोगों की तरफ से और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पिछले दिनों हुई वार्ता के तहत पार्ट वन प्रोमोटेड छात्रों को पार्ट थ्री में परीक्षा फॉर्म भरे जाने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता अधिकारियों से मिलने प्रशासनिक भवन पहुंचे थे, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी नदारद निकले, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। इसके बाद प्रशासनिक भवन स्थित शोध शाखा के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तालाबंदी की मांग को लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मी उपेंद्र मंडल और सहायक धर्मेंद्र सिंह से भिड़ गए, जिसके बाद विश्वविद्यालय के ही कर्मियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं कुश पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा होने नहीं देगा। कोरोना काल में मास्क नहीं लगाना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। भागलपुर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ शुक्रवार को जिला प्रशासन का रवैया काफी सख्त दिखा। बता दें कि शहर में मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों, विभिन्न प्रतिष्ठान के मालिकों एवं आम जनता के खिलाफ कवायद तेज हो गई है। तिलकामांझी चौक के समीप सीनियर डिप्टी कलेक्टर एश कुमारी ने बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ अभियान चलाया और जुर्माना भी वसूला।
वहीं एस कुमारी ने कई दुकानों में जाकर सरकारी दिशा निर्देश का पालन नहीं होता देख दुकान को 24 घंटे के लिए सील कर दिया। इस दौरान सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने आम लोगों से मास्क पहनने की अपील की, साथ ही कहा कि जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 का संक्रमण डेली प्रतिदिन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और सरकार का बार बार आदेश भी आ रहा है और इतना प्रचार प्रसार हो रहा है हमारी जिला प्रशासन की तरफ से, तो लोगों को बहुत जरूरत है अभी कि मास्क पहनकर ही बाहर निकले। जिले में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि सरकार एवं स्वास्थ्य महकमा कोरोना पर लगाम लगाने में लाचार नजर आ रहा है। शुक्रवार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिले में 91 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पड़ोसी जिला बांका से 24, पूर्णिया से 91, मुंगेर से 4 एवं राजधानी पटना से 258 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। बता दें कि शुक्रवार को राज्य में कुल 1978 कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार राज्य में बढ़ते खतरे का संकेत दे रही है। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र में गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ गोपाल मंडल का एक जमीन को लेकर हुए विवाद का जगदीशपुर सीओ ने शुक्रवार को जायजा लिया। दरअसल 4 दिन पहले कवाड़ी का दुकान और परिसर वाली जमीन में विधायक गोपाल मंडल ने जबरन तालाबंदी कर दी और मामले को लेकर जमीन पर विधायक समेत एक अन्य पक्ष ने दावा प्रस्तुत करते हुए तिलकामांझी थाना में आवेदन दर्ज कराया था, जिसमें दूसरे पक्ष ने विधायक से जान को खतरा होने की बात बताई थी। इसी मामले को लेकर तिलकामांझी थाना में दोनों पक्ष को बुलाया गया था पर विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन ने विवाद स्थल पर जाकर मामले की जांच की। वहीं विधायक से जुड़े मामले को लेकर जगदीशपुर सीओ और पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। क्या मामला है सर, पूरा क्या मामला है? मामला पेपर देखने के बाद ही पता चला सीओ साहब आए हैं। नाथनगर थाना परिसर में सीओ राजेश कुमार एवं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को लाइसेंसी हथियार के कागजात का सत्यापन किया गया। इस दौरान कुल 52 लाइसेंस धारियों ने नाथनगर थाना पहुंचकर अपने हथियार के कागजातों की जांच कराई। वहीं सीओ राजेश कुमार ने बताया कि बीते 1 सितम्बर से जाँच प्रक्रिया चल रही है जो 5 सितम्बर तक चलेगी। आगामी चुनाव में हथियार का दुरुपयोग न हो और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इसी के लिए नाथनगर थाना में ही कजरेली, मधुसूदनपुर एवं ललमटिया थाना क्षेत्रों के हथियार के लाइसेंस की जांच की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिकायत या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा,
भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिसर में टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फैकल्टी एवं कॉलेज के छात्र शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए। वहीं शुक्रवार को कॉलेज परिसर में फैकल्टी और छात्रों ने धरना दिया और राज्य सरकार से फैकल्टी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने एवं बिहार में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कन्वर्ट करने की मांग की। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के पिछले इलाकों के इंजीनियरिंग कॉलेज में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं कॉलेज को NBA एक्रीडिएशन दिलाने के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी, जिसके तहत बिहार के लिए भी 205 तकनीकी डिग्रीधारी उम्मीदवारों को सहायक अध्यापक के पद पर चयनित किया गया था। बिहार सरकार ने भी MOU साइन किया, जिसमें 30 सितंबर के बाद सरकार द्वारा सभी शिक्षकों को बिहार के विभिन्न कॉलेज में नियुक्ति की बात कही गई थी। लेकिन अगस्त माह के समाप्त होने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है, जिस कारण टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फैकल्टी और छात्र में अपने भविष्य को लेकर असमंजस और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। राज्य और केंद्रों के बीच एक MOU साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट प्रोजेक्ट्स रिटेन करना था हमें, लेकिन राज्य सरकारें उस PIP को फॉलो नहीं कर रही हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान और MOU में जो शर्तें थी उसको पूरी नहीं कर रही हैं, तो उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। भागलपुर में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने कोलकाता से भागलपुर पहुंचे यूनाइटेड फोरम फॉर नेशनल टूरिज्म के उपाध्यक्ष बामापद गंगोपाध्याय ने कहा कि भागलपुर को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं।
शुक्रवार को भागलपुर में UFNT द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वामापत गंगोपाध्याय ने कहा कि भागलपुर धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और साइंटिफिक रूप से पर्यटक के लिए उपयुक्त स्थल है। वहीं देवश्री मिश्रा ने कहा कि भागलपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए तैयारी की जा रही है और इसके लिए प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों को आगे आने की जरूरत है। जबकि RTI कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के साथ जिला प्रशासन को पत्र लिखकर भागलपुर को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर रंजन डे, डॉक्टर देव ज्योति मुखर्जी, दीपक कुमार समेत कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। टूरिज्म का कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, आदमी सोच रहा है। हम देखा है इधर में टूरिज्म का पॉसिबिलिटी है, हम टूरिज्म के ग्रोथ करने के लिए हम इधर आया है। और इधर का जो है जो टूरिज्म प्रॉस्पेक्ट जो है टूरिज्म फेटर्निटी का, हम फेटर्निटी इधर में करेगा, जो आदमी लोग को जिसका काम मिलेगा इधर में, थोड़ा सा बेरोजगारी से रोजगारी मिलेगा और आदमी लोग इधर से मनोरंजन करने के लिए आएगा, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मुझे चांसेस बहुत हाई नज़र आ रहे हैं और किस किस तरीके से बोले से टूरिज्म में होटलिंग, ड्राइविंग एज अ गाइड हर जगह पे, जो कि यहाँ पे नहीं है, अगर वो सारे एस्पेक्ट्स एड ऑन हो जाते हैं तो भागलपुर इकोनॉमिकली और कल्चरली ऐसे हाई हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग देंगे, सर भी हैं जो कि यहाँ के जो भी यंग जनरेशन के जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, फ्री में ट्रेनिंग देगा। अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है अब कुछ दिनों से, हमको लगता है कि भागलपुर बहुत अच्छी संभावना यहाँ बन सकती है। जो इन्होंने बताया, जो मार्गदर्शन दिया है, जिस ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था उस ओर हमारी ध्यान गई है और हम इस पर जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करेंगे और हमको उम्मीद है कि इस मामले में हम लोग सफल भी होंगे और बहुत जल्द आपको निदान भी मिलेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में शुक्रवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक हुई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा किया गया, जिसके बाद राज्यभर से आए सभी पार्टी अध्यक्षों ने पार्टी की मजबूती पर अपनी अपनी बात रखी। वहीं बैठक को लेकर पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अरुण मंडल ने बताया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी जल्द ही बनाई जाएगी। अरुण मंडल ने बताया कि बिहार की पावन धरती ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने रिबन काटकर टेलीमेडिसिन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार एवं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पाठक मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय के ट्रैशम भवन में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी रज्जन लाल निगम की विदाई समारोह का आयोजन उन्हें सम्मानित कर किया गया और नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती के लिए स्वागत समारोह हुआ। इस दौरान प्रखंड कार्यालय के कर्मियों ने नए पदाधिकारी का बुके देकर स्वागत किया। वहीं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि पूर्व BDO रज्जन लाल निगम द्वारा पीरपैंती की जनता के लिए किया गया कार्य काफी सराहनीय था। उन्होंने नए BDO से भी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की बात कही। मौके पर पूर्व विधायक अमन पासवान, प्रखंड प्रमुख रेशमी कुमारी, CO अरुण कुमार गुप्ता, निशांत पांडे, बुलबुल सिंह, झुप्पा सिंह, रंजीत शाह, डॉक्टर राकी वालम सहित पीरपैंती प्रखंड कार्यालय के कई कर्मी उपस्थित थे। जिला प्रशासन और भागलपुर नगर निगम काफी सख्त नजर आ रहा है। भागलपुर नगर निगम प्रशासन का अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दूसरे दिन भी डंडा चला। बरारी वाटर वर्क्स इलाके में पुलिस बलों के साथ नगर निगम प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचे और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान सरकारी जमीन पर किए गए पक्का निर्माण सहित कई झोपड़ियों और शेड को तोड़ा गया। वहीं सड़क किनारे अवैध रूप से रखे गिट्टी, बालू एवं अन्य सामानों को भी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त कर लिया गया। हालांकि इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने विरोध करने वालों की एक भी न चली। वहीं माइकिंग कर दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की वजह से राज्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष भी इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत कमलाकुंड पंचायत पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। इसको लेकर स्वयंसेवी संस्था मैस्ट्रॉक, प्रोजेक्ट अलहड़, हैप्पीनेस ऑफिशियल्स एवं पीपल द रिलीजियंस द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ पीड़ितों के लिए शुक्रवार को राहत सामग्री का वितरण किया गया। वहीं पीपल्स संस्था की संस्थापक रानी सहाय ने बताया कि राहत सामग्री में सत्तू, चूड़ा, नमक, सरसों तेल, चनाचूर, साबुन, मास्क, टॉर्च और सैनिटरी पैड इत्यादि शामिल थे। इस दौरान समाजसेवी तुषार वत्स, देवांत कृष्ण, अमन सिंह, पीयूष, शुभकामिनी सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीआईजी सुजीत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, अपराधियों पर नकेल कसने के दिए दिशा निर्देश। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा सृजन महाघोटाले में सरकार कर रही है खानापूर्ति। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की गुंडागर्दी, तालाबंदी को लेकर कर्मियों के साथ किया दुष्व्यवहार। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन हुआ सख्त, डिप्टी कलेक्टर ने होटल को किया सील। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का रफ्तार, 91 नए संक्रमित मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 6,000 के करीब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।